हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। तो यार, आपको भी अपने वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ इसी प्रकार का लाइटिंग इफेक्ट लगाना है तो ऊपर आई बटन पर मैंने उस वाले वीडियो का लिंक देके रखा है, जिस वीडियो को देख के दोस्तों आप अपने वीडियो के अंदर इस तरह का बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। तो गाइस, आज का जो वीडियो का ट्यूटोरियल है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। फिलहाल अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीडियो आपको स्लो मोशन में दिख रहा होगा। आपको वीडियो को स्लो मोशन में नहीं करना आता है, उसके लिए भी दोस्तों मैंने वीडियो बना के रखा है। ऊपर आई बटन पे उस वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो को देख के आप अपने वीडियो को स्लो मोशन आप बना सकते हो। तो यार, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आप वीडियो स्लो मोशन में चल रहा होगा, देन आपका जो स्काई वो फर्स्ट में मतलब रनिंग हो आपको दिख रहा होगा। तो आप भी अगर अपना वीडियो को इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक वीडियो को शूट कर लेना होगा। मैं यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेशन के तौर पर विष्णुप्रिया जी का इस नॉर्मल वीडियो को दिखा रहा हूँ। इसी वीडियो को गाइस आज मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जबरदस्त मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी चैनल पर अगर आप नहीं हो और आपको इसी तरह से एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी दोस्तों चलिए, बिना किसी देरी के, दो बार मैंने बिना किसी देरी बोला, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बोला तो चलिए स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे का काम वहाँ पर दिखाऊंगा। दोस्तों, इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। पहला आपका टर्बो ओपन जो कि एक वीपीएन सॉफ्टवेयर है, दूसरा है कपकेट। तो यार, आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टर्बो ओपन कनेक्ट कर लेना होगा। मैं गाइस इसको पहले ही कनेक्ट करके रखा हूँ। अभी आपको यहाँ पे कपकेट ऐप को ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएंगे। अभी दोस्तों आपको इस पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं साथियों, मेरे गैलरी में जितने सारे वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखाया है, आप जो अपना वीडियो शूट किए हैं उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर विष्णुप्रिया जी का एक वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं साथियों, जो वीडियो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपको अपने वीडियो के लास्ट में जाना होगा, जाकर ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है आपको पहले ध्यान से डिलीट कर देना है, ये तो आपके वीडियो के एंडिंग में ये लास्ट में चिपका ही रहेगा। अभी आप अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको नीचे में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले ओवरले का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, देन एड ओवरले को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर देना है। देख सकते हैं वापस से मेरा जो गैलरी है आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए इस जगह से देखिएगा, क्योंकि इसमें अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पर भी मैं दो वीडियो का लिंक दूंगा। पहला दोस्तों जो वीडियो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, रुकिए मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार से है पहला वीडियो, देख पा रहे हो, ये है आपको सनसेट का, आपको यह सीन दिख रहा होगा, ये वाला फर्स्ट वीडियो है। और दूसरा वीडियो का इसमें दे दूंगा, आप इन दोनों वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर पहले इसको ऐड करना होगा। देख सकते हैं जो वीडियो यहाँ पर मेरा टाइमलाइन पे आ चुका है। सबसे पहले आप इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आपको यहाँ पर अभी जीरो कर लेना होगा। करने के बाद साथ में आप दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से वीडियो को बड़ा कीजिएगा। और बड़ा करके दोस्तों आपको यहाँ पर जहाँ तक आपका स्काई है उतना ही में गाइस आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इतना तो गाइस इसमें स्काई है, इसको मैं यहाँ पर कुछ इतना ही इसको मैं रखूँगा। रख लेने के बाद दोस्तों आपको ये जो स्काई इसको फर्स्ट मोशन में बनाना होगा। उसके लिए गाइस आप अपने वीडियो में लास्ट तरफ आप जाइएगा, ठीक है, इतना में आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नॉर्मल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से इसको आपको इंक्रीज कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसको इंक्रीज करोगे, देख पा रहे जो वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पर घट घट के आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका जो है कुछ इस प्रकार दो पे रख दूंगा, ठीक है। रखने के बाद मेरा जितना वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा, जो बैकग्राउंड का ड्यूरेशन है, मैं इतना ही रख के बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। करने के बाद साथियों आपको अपने वीडियो फर्स्ट तरफ में आना होगा। आने के बाद आपको इसी वाला फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे नीचे में बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, इसी ऑप्शन को स्लाइड करके लास्ट करोगे तो आपको यहाँ पर एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले मार्क्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करके देख पा रहे कितने सारे मार्क्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको इस वाले मार्क्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन ये जो लाइन है इसको आपको पहले यहाँ पर जहाँ तक आपका स्काई इतना में आपको लाना होगा, ठीक है। इतना में लाने के बाद ये जो है इसको आपको नीचे तरफ आपको खींच देना है। जैसे आप खींचोगे कुछ इस तरह से गाइस आपके वीडियो के ऊपर शैडो टाइप का आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, देख पा रहे हो। जैसे मैंने इसको नीचे के यहाँ पर किस इस तरह से जो वीडियो यहाँ पर हल्का सा शो हो रहा है, तो आपको गाइस सेम इस तरह से आपको कर लेना होगा। करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर ओके कर लेना है।
अभी वापस से आपको यहाँ पे इसी वाले एड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गाइस जो वीडियो आपने सिलेक्ट किया है, मतलब आपका जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है, उसी वाले वीडियो को गाइस आपको यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करना होगा। देन इसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन में आपको इसको करना है। करने के बाद आपको इस वाले वीडियो का वॉल्यूम जो है आप इसको जीरो कर दीजिएगा। करने के बाद साथ ही ये जो वीडियो है इसका भी बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे में जो ऑप्शन सब दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर गाइस रिमूव बैकग्राउंड का 100% तक होगा। उसके बाद गाइस देख पा रहे जो मेरा वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पर सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अभी अगर मैं अपना वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो गाइस वीडियो अभी कुछ पक्का से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसान से स्टेप को फॉलो करके आप वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी दोस्तों दूसरा जो स्काई उसको मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों स्काई का वीडियो आपको डाउनलोड करना है कैसे करना है। उसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गाइस इस वाले वीडियो का जो कमेंट है उस पर चले जाना है, मतलब कमेंट सेक्शन में चले जाना है जहाँ पर गाइस मैंने लिंक दे के रखा है आपको। उस वाले लिंक से ये जो दोनों आपको स्काई वाला वीडियो उसको डाउनलोड करना है, फर्स्ट वाला जो देखे वो वाला था और दूसरा स्काई वीडियो ये रहा, ठीक है। इन दोनों को आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर पहले सिलेक्ट करता हूँ। सेट करने के बाद सबसे पहले इसको मैं दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से फुल में इसको यहाँ पर कर लूँगा कुछ इस तरह से। इसका मैं स्पीड को पहले आपको यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसके स्पीड को यहाँ पे 2 पे रखूँगा। देन जितना वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा वो जो बैकग्राउंड इसका भी ड्यूरेशन को इतना ही एग्जैक्टली कर देना है। करने के बाद साथियों वापस जैसा मैंने वहाँ पर दिखाया इसमें भी आपको मार्क्स में जाना होगा। जाने के बाद इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। देन कुछ इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर इतना में पहले आप लाइएगा। देन इसको आपको खींच दीजिएगा कुछ इतना इस तरह से कुछ इतना में। अभी आपको यहाँ पर देख पा ऑप्शन सब दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाला लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक नंबर का आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। लीजिए अभी इस वाले वीडियो में दूसरा वाला स्काई लग चुका है। तो इस तरह से आप वीडियो को आपको बहुत ही आसान से वीडियो एडिट कर सकते हो। आपको वीडियो सेव करना तो आता ही है, इस वाले सेव का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन आपको जिस भी एक्सपेक्ट रेशियो में आपको वीडियो सेव करना है उस एक्सपेक्ट रेशियो में अपना वीडियो को आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर आप नहीं हो तो भाई के चैनल है यार, सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।